नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक के HC मल्होत्रा की 62 एडिशन साहित्यवान पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है इसका कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 24 चलेगा। 24 आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्टैंड नीचे करके, स्टैंड को नीचे करते हैं, फोकस आपको दिखाते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। चलो बेटा पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या लिखा है इसमें 24 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालना है। एक्स ने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी इन मई 2010 में 16,70,000 की खरीदी है। एक्स ने उसे सोल्ड किया प्रॉपर्टी को 20 जून 2020 में 70 लाख की। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने उसकी वैल्यू की है 90 लाख रुपए लगाई है उसकी, ठीक है, विच इज नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द सेलर एंड द बायर ऑफ द हाउस। मतलब किसी को इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई भी अगर रखो होने कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनकी तो वैल्यूज की ज़्यादा ही दिखाई जा रही है, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। तो यही वाली हमारी वैल्यू मानी जाएगी सेल ऑफ हाउस के नाम पे, भले ही 70,000 कैश मिलाओ लेकिन इस टाइम वैल्यूशन में कितना है 90, तो उसी के हिसाब से चलेगा ये चीज़, ठीक है। ऑन 15 नवंबर 2020 उन्होंने एक और रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा 25 लाख का। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें दे रखा है 167301। तो सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आराम से हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं मानो। तो लिखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 24, और इसमें लिखेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सेल ऑफ हाउस के नाम पे, भले 70,000 में बिका हो लेकिन स्टैम्प वैल्यूएशन से 90 लाख की वैल्यूएशन हुई है, तो 90 लाख ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये 16,70,000 का खरीदा गया था उस टाइम मई 2010 में, उस समय इंडेक्स नंबर 167 था, इनटू कर दो 301 से, तो ये आ जाएगा आपका 1,67,000 डिवाइड बाई 167 इंटू 301, एक सेकेंड, 16,70,000 डिवाइड बाई 167 इंटू 301, मैंने जीरो कम लगाई थी, तो ये 30,10,000 इसकी वैल्यूशन आई। माइनस करते हैं 90 लाख, ठीक है, 90 लाख हो गया, ये आया 59,90,000 का इधर से प्रॉफिट है ये हमारा, ठीक है, कैपिटल गेन है, ठीक है। लेकिन हम इसका यूज़ कर रहे हैं नए मकान खरीदने के लिए, तो हम लेस लिखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि मकान बेच के मकान ही खरीदा है, ठीक है, तो 54 के अकॉर्डिंग आ जाएगा कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट है, हाउस है, की बात है, क्या खरीदा उसने, फ्लैट खरीदा, न्यू फ्लैट, ठीक है, 25 लाख का खरीदा, ठीक। तो देखो कैपिटल गेन कितना होना चाहिए, अभी मैं ये माइनस आंसर आया था इसलिए, मतलब मेरे कैलकुलेटर माइनस आया, मैं दोबारा से कर लेता, छोड़ो, 59 लाख 90,000 माइनस 25 लाख, तो ये आया 34,90,000, इस कैलकुलेटर के सेल भी हो गया, ये हो गया टैक्सेबल। हाँ, कौन सा गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, 4 मिनट की वीडियो, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी जितना हो सकता है पूरे पूरे क्वेश्चन करने कराने की। हाँ, पता है इसमें है, इसमें 15 नंबर लाइक तो कुछ है नहीं टॉपिक, बस मैं ये चीज़ हमें सीखने को मिला, आपको सीखने को मिला कि भाई हम सेल कर रहे हैं जितने भी लाख का, अगर उसकी इस टाइम वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उसी को प्रेफर करना है, ठीक है, उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है, ज़्यादा तो ये मैं लेना ही लेना है, बाकी तुम देख लेंगे, ठीक है, बाय बाय, नोट डाउन कर लेना बेटा।